देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल में श्रद्धांजलि देंगे उस शख्स को जिसकी शख्सियत पूरे देश को आगे बढ़ने पर सोचने को मजबूर करती है। जी हां, उसकी सोच को, उसकी समझ को एक घंटे तक आप तक पहुंचाएंगे और उन्हीं के इसी बात से इस पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी हां, अब्दुल कलाम ये कहा करते थे कि अगर सूरज की तरह आपको चमकना है तो सूरज की तरह आपको पहले जलना होगा, तपना होगा। ये थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सोच। उस शख्स ने अपनी बातों के जरिए लोगों को छुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम की कही हुई ऐसी ही नायाब बातें आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि बारिश में सभी चिड़ियां बसेरा ढूंढती हैं, लेकिन बाज बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर से उड़ता है। ये थी उनकी सोच, ये था उनका जिंदगी को देखने का तरीका। हर मुश्किल से आगे निकल जाना जिसने सिखाया, उसी एपीजे अब्दुल कलाम को आज हम करते हैं सलाम। आइए आपको पहले सुना देते हैं अलग अलग लोगों की बातें इस पर, क्योंकि आज तमाम बड़े बड़े दिग्गज भी दे रहे हैं डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि। कोई कल्पना कर सकता है कि जिस व्यक्ति ने बचपन में अखबार बेचे हो, आज देश और दुनिया के सारे अखबार उस व्यक्ति के नाम से भरे हुए। जीवन में व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच सकता है, क्या से क्या कर सकता है और आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन को कैसे ढाल सकता है, इसका उत्तम उदाहरण श्रीमान अब्दुल कलाम थे। प्रेसिडेंट कलाम जनता के राष्ट्रपति थे, जनता से उनका बहुत अच्छा जुड़ाव था। पूरी जिंदगी उन्होंने अपने काम में दे दी, चाहे वो मिसाइल प्रोग्राम हो या वो राष्ट्रपति का काम हो या राष्ट्रपति के काम करने के बाद पूरी जिंदगी का उनका कर्म हो, हमें वो हमारे यादों में रहेंगे और उनकी जो सोच है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और भी लोगों की श्रद्धांजलि उनकी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें शाहनवाज हुसैन साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मंत्री थे उस वक्त, करीब से देखा है डॉक्टर कलाम को। हमारे साथ राशिद अलवी जी जुड़ गए हैं। इसी के साथ हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जे के बंसल साहब जुड़े हैं, जो कि डायरेक्टर DRDO हेल्थ प्रोजेक्ट से काम कर चुके हैं और डॉक्टर कलाम को बहुत करीब से जानते हैं। और भी ऐसे कई लोग इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगे जिन्होंने करीब से उनको देखा है, जाना है। जनता का राष्ट्रपति उन्हें कहा जाता था, शाहनवाज हुसैन साहब। उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे राष्ट्रपति का जो पद है वो लोगों के और करीब पहुंचे। कैसे याद करेंगे, किन शब्दों में? हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी, उससे पहले आपको बता दें अमित चौधरी जुड़ गए हैं दिल्ली के वेंकटेश्वरा कॉलेज से, मनोज्ञा लोयवाल हमारे साथ, हमारी सहयोगी सीधे IIM कोलकाता से जुड़ी हैं। आपके पास भी आएंगे जानने के लिए कि आज की पीढ़ी उन्हें किस तरह देखती है। शाहनवाज जी, कलाम साहब से मुलाकात मेरी पहले भी कई बार हुई थी, लेकिन जब उनको राष्ट्रपति के लिए नामित किया गया तो मैं उस वक्त सिविल एविएशन मिनिस्टर था और प्रमोद महाजन जी के साथ और पार्टी के और वरिष्ठ नेताओं के साथ मैं उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट दिल्ली पे गया था। और जब हम लोग वहाँ गए और ये था कि कलाम साहब के लिए हमने गाड़ी उपलब्ध करा दी कि वो उसमें आएंगे, बैठेंगे और हम उनको लेकर बाहर जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं बस से ही जाऊंगा। तो हमें वहां पर बस मंगानी पड़ी जिससे आम पैसेंजर उतर कर जिस तरह आते हैं उसी तरह एक वहाँ फिर हम लोग भी उनके साथ बस में ही बाहर आए। कलाम साहब सादगी दिखावे के लिए नहीं करते थे, सादगी को जीते थे। वो हर चीज़ को जीना चाहते थे उस तरह से और लोगों के बीच में साबित करके दिखाया है। जब भी उनसे मुलाकात हुई और कई बार उनसे मिलने के बाद लगता था कुछ सीख के जा रहे हैं, वो प्रोफेसर थे, हर किसी को कुछ सिखाना चाहते थे और बताना चाहते थे जो उनसे सीख ले। बड़े चाहे उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो उनके रिश्ते थे, मुझे याद है कि जब हमारी सरकार चली गई और एक फेयरवेल डिनर होता है जो प्रधान राष्ट्रपति देते हैं, तो उन्होंने फेयरवेल डिनर दिया
और उस वक्त उन्होंने वाजपेयी जी की कविता का जो म्यूजिक था वो उन्होंने डिनर में लगवाया जी। और मुझे याद है कि वो किस तरह उस दिन कैबिनेट के उन साथियों से जिन्होंने उनके साथ काम किया वो मिले थे जी। मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद इस सदी में बहुत दिनों के बाद ये मौका आया है। बहुत बड़े रहनुमा हमने खोए हैं दुनिया में और देश में, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चे से लेकर बड़े तक से जुड़े थे जी। आज बच्चे की भी आंख नम है और जो बड़े हैं उनके भी आंख में आंसू है, चाहे वो पत्रकार हो या नेता, आम आदमी हो या वो बच्चे, सब उनको अपना आइडियल मानते थे। और हमने एक इतना बड़ा नेता अपने बीच में से खो दिया है जो देश का नेता था जी। राशिद जी, मैं कहीं से भी नहीं चाहती कि आज के दिन हम राजनीति पर उतरें, लेकिन अब्दुल कलाम कुछ उसूलों को हमेशा अपने अंदर जिंदा रखते थे और इसीलिए उनकी बात इतनी लंबी है, क्योंकि उनकी जिंदगी की खींची हुई लकीर इतनी लंबी है। उन्होंने बीते दिन जाने से पहले कहा कि देश की संसद चलनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दोराय नहीं, और आज कोई मौका नहीं है राजनीति करने का। अब्दुल कलाम इस देश के एक बड़े इंसान थे। मैं उनसे बहुत बार मिला हूँ, और जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उनका वन पॉइंट प्रोग्राम रहता था कि उनका अपना काम। अगर आप उनके घर जाएं तो उनके घर में कितने कमरे, शायद अब्दुल कलाम साहब को मालूम भी नहीं था। उनका वास्ता तो एक उस कमरे से रहता था जिस कमरे में वो रहते थे, और उस कमरे के अंदर भी किताबें बिखरी रहती थीं, कंप्यूटर एक रहता था जिस पे वो 24 घंटे शायद ही रात को सोते हों, ज़्यादातर काम करते थे। मेरे पास जो पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर मेरे पास रहे वो उनके पास भी रहे। उन्होंने मुझसे कहा कि एक दिन वो हमारे कमरे में आए और उन्होंने देखा कि हमारे कमरे में ना तो एसी है ना ठीक इंतज़ाम है। आपको एक बात बताऊं, आप ताज्जुब करेंगे कि वो कोशिश करते थे कि उनके कमरे में एसी ना हो, वो मामूली से पंखे के अंदर रहे, लेकिन अपने स्टाफ के लिए तमाम आराम का इंतजाम करते थे। एक ऐसी शख्सियत थे कि जिनके बारे में जितना कहा जाए, उर्दू का शेर है कि मौत दुनिया के अंदर असल मौत उसकी है जिसको दुनिया के लोग याद करें। आज वही हो रहा है अब्दुल कलाम साहब के साथ। मेरा ड्राइवर है, उसने मुझे बताया कि वो ईद की नमाज पढ़ने के लिए जो प्रेसिडेंट्स हाउस के अंदर मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ने गया। अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट थे, सदर जमहूरिया थे जी। वो भी नमाज पढ़ने के लिए आए, सिक्योरिटी साथ आई। अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि सिक्योरिटी बाहर हो जाए। सारी सिक्योरिटी बाहर की, एक आम शहरी की हैसियत से कंधे से कंधा मिलाकर एक ही सफ में खड़ा हो गया महमूदो अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, उनके साथ मिलके नमाज पढ़ी। आज भी वो लोग इस वाकये को याद करते हैं, और उसके बाद अपने आप एहतमाम किया, मिठाई बनवाई और अपने हाथों से सबको मिठाई बांटी। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, एक बड़े इंसान थे, उन्हें हमने भारत रत्न भी दिया हमारे देश ने जी। भारत के राष्ट्रपति भी रहे, लेकिन इन सबसे बड़ी शख्सियत वो इंसान थे। और मैं उनका ये बात कभी नहीं भूल सकता। आमतौर से कहा जाता है सपने मत देखो, लेकिन वो कहते थे सपने देखो और बड़े सपने देखो, जब बड़े सपने देखोगे तभी पूरा कर पाओगे। बिल्कुल। और उन्होंने एक बात ये भी कही थी जो अपने दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं थोड़ी देर में। उन्होंने, विजय गोयल जी, ये कहा था, आपने भी करीबी से पीएमओ एमओएस थे आप, आपने देखा है, उन्होंने कहा कि सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपना वो है जो नींद उड़ा दे। गोयल साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम, जिस समय उनका राष्ट्रपति के लिए नाम आया था उन्होंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। और मैं उन शख्स में था जो सबसे पहले उनसे मिला था उनका राष्ट्रपति पद पे नामांकन के बाद चेन्नई जाकर अन्ना यूनिवर्सिटी में जी। मैंने उनसे पूछा था कि आप
राष्ट्रपति पद की इतनी बड़ी जिम्मेदारी वहन कर लेंगे, तो उन्होंने बोला कि मुझे 18-18 घंटे काम करने की आदत है, और तब भी उन्होंने कहा था कि मैं अपनी शिक्षा को और पढ़ाने के काम को जारी रखना चाहूंगा, ये प्रधानमंत्री जी को बताना। मैंने अपनी और उनकी मुलाकात के बारे में प्रधानमंत्री जी को बताया था, और आपने देखा था कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन में जाकर भी बच्चों को पढ़ाना जारी रखा था। और सबसे बड़ी बात है, वो लोगों को कहते थे सपनों को बुनो और फिर सपनों को पूरा करो। उन्होंने कहा था देश के अंदर रोल मॉडल्स की जरूरत है, ऐसे नेताओं की जो युवा नेतृत्व को प्रेरित करें इस बात के लिए इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है जी। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी का साधन बनाकर एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, इस सब के बीच में काम करना होगा। मैंने उनको बहुत नजदीकी से देखा है, इतना नजदीकी से देखा है कि मेरी उनसे बहुत बार मुलाकात हुई। एक बार मैं जब चांदनी चौक से एमपी था तो मैंने एमसीडी के स्कूलों का सुधार किया था, और जब मैंने उनको बताया कि यहाँ गरीब के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं और ऐसे ऐसे उनको सुविधाएं से लैस हमने एक एनजीओ के माध्यम से इनका सुधार किया है, तो उन्होंने वहां खुद आने की पेशकश की कि मैं यहाँ आऊंगा और इसको देखना चाहूंगा जी। उनको बच्चों से बहुत लगाव था, और सबसे बड़ा लगाव था कि वो देश के बारे में एक सपना देखते थे और उसको पूरा करने की बात करते थे। बिल्कुल, और यही वो प्रेरणा है। मैंने आज तक एक भी व्यक्ति नहीं देखा, यही वो प्रेरणा है जिसको लेकर शायद ये देश आगे बढ़ सकता है। जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बंसल साहब हमारे साथ हैं। बंसल साहब, उसके बाद अमित और मनोज्ञा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी जल्दी से रिएक्शन के लिए। बंसल साहब, आपने भी बहुत करीब से उनको देखा है, जाना है, उनके साथ काम किया है। मिसाइल मैन, दूसरी तरफ हेल्थ केयर, तो हर चीज पर जैसे नजर रहती थी शख्सियत की, ये चाहते थे कि कैसे हर चीज में हिंदुस्तान बस भागता चला जाए आगे। मैं कलाम साहब के साथ 25 वर्ष तक कार्य किया, वो हमारे बॉस थे, डीआरडीओ में मैं पोस्टेड था जी। तो ये तो सब लोग जानते ही हैं, वो मिसाइल मैन थे, बच्चों का जो युवा पीढ़ी का काफ़ी उनके तरफ उनका रुझान था। इसके अलावा उनका हेल्थ केयर में वो चाहते थे कि हर वर्ग को एक हेल्थ केयर मिले, और ये उनका मिशन था, लेट माई ब्रेन रिलीव योर पेन। तो उन्होंने एक संस्था बनाई जिसको सोसाइटी ऑफ बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी बोला, और जितने भी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी थी, जो बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते में जो उसका स्पिन ऑफ था, उसको इस्तेमाल किया कि लोगों तक एक हेल्थ केयर जो साधारण व्यक्ति है उन तक पहुंचे। उसमें उन्होंने साइटो स्कैन बनाया, जो साइटो स्कैन से कैंसर का जो सर्वाइकल कैंसर औरत में होता है औरतों में उसके स्क्रीनिंग के लिए। इसके अलावा उन्होंने जो विकलांग लोग थे उनके लिए FRO बनाया, इम्प्लांट बनाए, दांतों के इम्प्लांट बनाए, तो ये सब चीजें उन्होंने कराई। पूरा सार उनकी उसी लाइन में आपने बता दिया बंसल साहब कि लेट माय ब्रेन हील योर पेन, यानी मैं अपने दिमाग से कैसे तुम्हारी पीड़ा को, तुम्हारे दर्द को कम कर सकूं। ये एक सोच है मनोज्ञा, और शायद यही वो सोच है जिसको लेकर हिंदुस्तान को इस विजन पे आगे बढ़ना चाहिए जो उन्होंने आगे के लिए देखा था। ये जो नई पीढ़ी आपके साथ मौजूद है, इनको क्या लगता है ये विजन क्या पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, और इस पीढ़ी के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मतलब क्या है? अंजना, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेरे लिए क्या मतलब है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 2011 में मैं उनसे मिली थी, और तब उन्होंने खुद जितने मीडिया पर्सन ने उनसे सवाल किए थे उन्हीं से शपथ ले ली थी कि वे आगे जाकर राज्य ही नहीं देश की सेवा भी करेंगे। वो शपथ आज भी याद है, और साथ ही साथ जिसने उनकी किताब पढ़ी है अग्नि की उड़ान, वो जान जाएगा कि आखिरकार उड़ान क्या होती है और क्या होना चाहिए दिल में जज्बा आगे बढ़ने के लिए। क्या कहेंगे आप? जी, मेरे लिए प्रेसिडेंट कलाम के लिए सबसे इंस्पायरिंग फिगर इसलिए हैं बिकॉज उनकी जर्नी यहाँ से शुरुआत हुई थी, जब वो न्यूज़पेपर बेच के अपना स्कूल का फीस दे देते, वो आगे जाके वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने। और उससे सबसे बड़ी बात है, हम सब ज़्यादा मिस करेंगे उनके पर्सनालिटी को और उनके ह्यूमिलिटी को, उनकी हम्बलनेस को, जिस सादगी से वो जीते थे और दिखावे के लिए नहीं जीते थे। मेरी भी एक मुलाकात हुई थी डॉक्टर कलाम से, तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस था कि वो जितना टाइम बच्चों के लिए निकालते हैं और उनके लिए इंस्पिरेशन बनते हैं, आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी के पास टाइम बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी वो देश के बच्चों के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए भरपूर समय निकाल, वीणा बजाने के लिए समय निकाल लेते थे, अपने लिए समय निकाल लेते थे, और उन लोगों के लिए जिनकी उन्हें ज़रूरत थी और उन्हें जिनकी ज़रूरत थी। डॉक्टर कलाम ने काफ़ी सरलता से देश को ये बता दिया था कि डिटर्मिनेशन और परसिस्टेंस से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं,
उन्हें भी अपने SLV और नंदी के पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन वो लगे रहे और देश को अग्नि और पृथ्वी दी। मैं आपको बता दूं, अग्नि जब फेल हुई थी पहली बार तब उन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, और जब सक्सेसफुल हुई थी तो जिम्मेदारी दूसरों को दे दी थी। तो जिम्मेदारी हार की भी लेना और जीत की भी लेना। डेफिनेटली, और उनका एक वाक्य है जो हमेशा हमें पढ़ने मिलता है कि सपने वो नहीं है जो तुम सोते हुए देखते हो, बल्कि वो है जो तुम्हें सोने नहीं देते। सोने नहीं देते हैं, कितनों को नहीं सोने देते हैं? बिल्कुल, बहुत लोगों को सोने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए उनकी सरलता और उनकी सादगी हमारे लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है। मेरे हिसाब से पूर्व राष्ट्रपति कलाम का जो दिलेरी थी, जिस तरह उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पे जाके, बिल्कुल, और यही मनोज्ञा वो सार है जो बताता है कि कैसे हिंदुस्तान का युवा अपने आप को उन खाब से, उस सोच से जोड़ रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी हर बात में जैसे एक सीख थी, उनकी हर सोच में कहीं ना कहीं एक जज्बा था जो इस देश को अपनाना होगा। उनकी इसी बात के साथ आपको ब्रेक पर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था मुश्किलें आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं। लेकिन उससे भी दिलचस्प ये है, ये उन्होंने कहा था कि कभी कभी मुझे लगता है कि आपको स्कूल बंक करके, क्लास बंक करके दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहिए। अब मुड़कर देखता हूं तो मार्क्स याद नहीं आते, वो यादें चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हैं। देखते रहिए आज तक। उन अधूरे ख्वाबों को पूरा करना है इस देश को, कैसे होगा ये, उनकी सोच को कैसे ये देश आगे ले जा सकता है राजनीति से ऊपर उठ के, ये वो सवाल है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीना नवीन हमारी सहयोगी IIT मुंबई से अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन अमित चौधरी, मैं आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर छात्रों ने इकट्ठा होकर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देने के लिए एक आयोजन भी किया है दिल्ली के कॉलेज में। उनसे पूछिए, उनको लगता है ये ख्वाब पूरा होगा जो देखा है उन्होंने, कि एक ऐसी राजनीति हो जो जिसमें धर्म का खेल कोई ना करे, जिसमें देश की संसद चले, जिसमें काम हो। वो तो छुट्टी तक के खिलाफ थे, कहते थे छुट्टी नहीं डबल काम करो। जाहिर सी बात है, कलाम साहब इन छात्रों के लिए हमेशा से ही प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, प्रेरणा का महासागर रहे हैं, प्रेरणा का खुला आकाश रहे हैं इन छात्रों के बीच में। और सीधे इनसे जानने की कोशिश करते हैं, मैं आपसे आना चाहता हूँ किस तरीके से देश उनकी सोच को आगे ले जाएगा, क्योंकि वो छुट्टी के खिलाफ थे, वो संसद बंद करने के खिलाफ थे, हंगामे के खिलाफ थे, तो किस तरीके से काम होगा, क्या सोच रहा है आज का छात्र? उनकी सोच को सबसे पहले हमारे कॉलेज ने फॉलो किया है, क्योंकि वो चाहते थे कि कॉलेज में छुट्टी ना हो उनकी डेथ होने पर। और आज हमारे कॉलेज ने वैसा ही किया है, जैसा पूरे देश में नेशनल हॉलीडे घोषित किया गया था, उसके बावजूद हमारे कॉलेज ने कॉलेज ओपन रखा और हम उनकी सोच को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। दूसरी बात, उनका ये सपना था कि जो भारत के गाँव हैं वहाँ पर सुविधाएँ नहीं होती हैं, तो जो शहरों में सुविधाएँ होती हैं वो गाँव तक ले जाई जाए। तो मेरा सपना ये रहेगा कि जो गाँव में, आज मैं उत्तर प्रदेश के एक अमेठी का रहने वाला हूँ और वहाँ पर वो सुविधाएँ नहीं हैं। छात्रों से बहुत उम्मीद थी, आप कलाम साहब को आज कैसे याद कर रहे हैं? आज सबसे बड़ी है कि आज हमारे जो रक्षा, हिंदुस्तान की जो रक्षा संसाधन जो क्षेत्र है, आज जितना भी विकास हुआ उससे सबसे बड़ा अविस्मरणीय योगदान डॉक्टर कलाम साहब का है। कुछ टीचर्स भी हमारे साथ, वाइस प्रिंसिपल हैं वेंकटेश्वरा कॉलेज के, आज आपने कलाम साहब को श्रद्धांजलि दी, आप कैसे याद करते हैं? जैसा कि सबको पता है कि हम सब आज हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब्दुल कलाम जी ऐसे ऐसे आयोजन न जाने देश के कितने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में हुए हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस शख्सियत से हर कोई अपने आप को जुड़ा। जनता का राष्ट्रपति इन्हें कहा जाता था,